नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रंजन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कामगारों के बारे में। बिहार की फैक्ट्रियों में काम करने वाले दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार विशेष सुविधा देने जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो साल में एक बार उन प्रवासी मजदूरों को घर आने जाने का किराया मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। यह श्रम संसाधन विभाग के अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर नियोक्ता दूसरे राज्यों से कामगारों को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे तो उन्हें उस श्रमिक को ट्रेन, बस या फिर किसी अन्य यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार स्थान से गृह राज्य में उनके निवास स्थान तक आने जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एक मुफ्त राशि मुहैया कराना होगा। यानी कि जो भी कामगार बिहार में आएंगे, यानी जो दूसरे राज्य के होंगे, अगर वो बिहार में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उन्हें अपने घर जाने के लिए जो है उन्हें पूरा किराया उस कंपनी की तरफ से दी जाएगी। बता दें कि यह राशि ट्रेन में स्लीपर से कम की भी नहीं होगी। बता दें कि यह सुविधा वैसे कामगारों को मिलेगी जो कि एक साल के 6 महीने यानी कि 180 दिन कम से कम संबंधित प्रतिष्ठान में या फिर किसी कंपनी में काम कर चुके हैं। बता दें कि ये काम करने वाले श्रमिकों की यात्रा भत्ता साल भर में एक बार ही मिलेगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर श्रमिक बिना यात्रा भत्ता लिए फैक्ट्री बदल ले और नए प्रतिष्ठान में 6 महीने काम पूरा कर ले तो उसे यात्रा भत्ता का लाभ नए प्रतिष्ठान में भी मिलेगा। बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। बता दें कि राज्य सरकार खुद इस हेल्पलाइन नंबर को स्थापित करेगी ताकि दूसरे राज्य के कामगारों के परिजन उस पर फोन कर आवश्यक जानकारी भी या फिर कोई सूचना का अगर वो लेना चाहते हैं तो वो उस टोल फ्री नंबर से अपने उस कंपनी के बारे में ले सकते हैं या फिर वो अपने व्यक्ति के बारे में ले सकते हैं। अगर फैक्ट्री संचालकों की ओर से कोई मनमानी की जा रही है तो उस नंबर पर भी प्रवासी कामगार के परिजन शिकायत कर सकते हैं। सरकार इसको लेकर साफ कर दिया है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान की जाएगी। जहां कहीं भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल केंद्र सरकार या फिर विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श भी करती रहेगी। एक तरह से कहना है कि बिहार में काम करने वाले दूसरे राज्यों के जो श्रमिक हैं वो बिहार में आकर अगर काम कर रहे हैं तो उसको लेकर जो है बिहार सरकार एक्शन में है और वो लगातार उनकी सुविधा मुहैया कराने को लेकर बात करती रही है। इसी कड़ी में जो है सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो वो बिहार से अगर वो अपने प्रदेश में जाते हैं तो उनकी जो है एक बार साल भर में एक बार आने जाने का किराया जो है वो कंपनी की तरफ से दी जाएगी। इसको लेकर जो है बिहार सरकार ने एक बड़ा गाइडलाइन जारी कर दिया है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।